गाइस ये मैशअप सॉन्ग आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है और इस वायरल सॉन्ग पर इस तरह का वीडियो यदि आप बनाना चाहते हैं जैसा कि प्रीवियस में आपने देखा है तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो वायरल हो ही जाते हैं। तो गाइस वीडियो में मैं जो भी एडिटिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे। ओके तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए मैं VN एप्लीकेशन का यूज़ करूँगी। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है। ओके इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिलहाल आप 18 वीडियोस इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं आगे जब हम वीडियो एडिट करेंगे तो और भी अगर ऐड करनी होंगी तो वो भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर वीडियोस इंपोर्ट करने के लिए प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी फ़ोन लाइब्रेरी से आपको वीडियोज़ सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके तो इस तरह से सेलेक्ट कर लें एंड फॉरवर्ड आपको कर लेना है और आगे अपने एडिटर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले गाइस ये डिफॉल्ट क्लिप आपको मिलेगा इनपुट टाइटल करके, इसको डिलीट आपको कर लेना है एंड ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ऊपर यहाँ से 9:16 की रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए। ओके अभी दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले म्यूज़िक ऐड करना है और इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो के जस्ट ऊपर PIP ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड वीडियो फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और वो रील ले लेंगे। जो वायरल रील आपने प्रीव्यू में देखा है वही रील आपको ले लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचेंगे, इस रील पर ही पहुँचेंगे। इस रील को आपको सेव टू गैलरी कर लेना है एंड आफ्टर यही आपको करना है कि यहाँ पर इस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है। ओके अब गाइस यहाँ राइट हैंड की तरफ स्वाइप करेंगे एंड यहाँ पर लास्ट सेकंड ऑप्शन आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मिलता है तो आपको ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इस वीडियो को आपको डिलीट कर लेना है और इस तरह से वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाता है म्यूज़िक को। अब आप देखेंगे म्यूज़िक यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बट गाइस म्यूज़िक अपनी जगह सही है। हमारे जो वीडियो क्लिप हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं जिनको हमें स्प्लिट कर लेना है, मतलब कि इस तरह से टू फिंगर का यूज़ करके पहले आपको इस तरह से इंक्रीज़ करना है वीडियोज़ को और यहाँ से रैंडमली कहीं से भी स्प्लिट का ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा नीचे, स्प्लिट कर लेना है इस तरह से। तो काफ़ी छोटी छोटी आप कर लें इनको इस तरह से। चलिए फिलहाल मैंने इतना ही करा है, वो आगे हम देखेंगे। अभी गाइस यहाँ पर क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस प्ले होते हैं, मतलब आप लेयर ट्रांजिशन उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस वो लेयर ऐड करने के लिए, जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो है इसके ऊपर एक और वीडियो फिर एक और वीडियो इस तरह से आता है, तो कैसे लेयर को एडजस्ट करना है वो जानते हैं। तो इसके ऊपर जस्ट PIP पे अगेन हमें क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फ़ोन गैलरी से वीडियो फोटो पे जाके अगेन आपको वीडियोस ऐड करने हैं। ओके तो जो भी आपके पास ट्रिप के वीडियोस होंगे, जो भी मेमोरी होंगी, या वैसे तो वीडियो ही अच्छा लगेगा बट अगर फोटोज़ हैं तो फोटोज़ भी आप ले सकते हैं, तो इस तरह से। ओके ओके जैसे कि ये फ़ोटो मैंने ले लिया और इस फोटो को आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ऊपर छोटा सा कर लें और इस तरह से आपको कोने में ऐड कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये वीडियो आपने स्टार्टिंग से ऐड किया और थोड़ा सा आगे आएंगे, ओके ज़्यादा आगे नहीं आना है और दूसरा वीडियो ले लेंगे। ऊपर ड्यूरेशन आप देख सकते हैं गाइस 0.20 सेकंड से आप स्टार्ट कर सकती है सेकंड वीडियो और अगेन हमें यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और इसी तरह से वीडियोज़ ऐड करते रहना है इसी सीक्वेंस के साथ जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ओके इस तरह से मैंने कितने वीडियो लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ऐड करे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने जो वीडियो लिए हुए हैं वो लैंडस्केप में लिए हुए हैं 2 वीडियो एंड एक मैंने हॉरिजॉन्टल में बीच में ऐड करा हुआ है, आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद अगेन मैंने 2 वीडियो लैंडस्केप में लिए हुए हैं। अब दोस्तों आप यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ध्यान देंगे, जैसे कि मैं इस तरह से इंक्रीज़ कर रही हूँ और 0.26 सेकंड की ड्यूरेशन आ रही है। जैसे ही 2.50 सेकंड आएगा, जैसे कि अभी क्या आ रहा है देखते हैं, 1.30 सेकंड, तो जैसे 2.50 सेकंड आएगा
वहाँ से आपको ऊपर वाले जो वीडियो हैं उनको स्प्लिट कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने सारे वीडियो स्प्लिट कर लिए और राइट हैंड वाले जो पार्ट हैं उनको हमें डिलीट कर लेना है। तो स्प्लिट करने के लिए आपने नीचे मैंने आपको बताया हुआ है फोर्थ ऑप्शन स्प्लिट का मिल जाता है, बस आपको 2.50 सेकंड की ड्यूरेशन तक वीडियो में आगे आना है और बस वहाँ से स्प्लिट करके वीडियो को ये राइट हैंड वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर लेना है। ओके, तो मैंने डिलीट कर दिए हैं सारे एक्स्ट्रा पार्ट और जो हमने डिलीट करे हैं बस वहीं से हमें दूसरे वीडियोज़ ऐड करने हैं। ओके, मतलब कि जैसे 5 हमने पहले करे हैं और जिस तरीके से करे हैं उसी तरीके से हमें 5 और वीडियो यहाँ पर ऐड करने हैं। ओके, तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में लेना है। जैसे कि मैंने ये वाला लिया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के मैंने दूसरा क्लिप लिया, फिर हल्का सा आगे बढ़ के मैंने थर्ड लिया, हल्का सा आगे बढ़ के फोर्थ लिया। बस वही सीक्वेंस आपको रखना है जैसे कि आपने पहले वीडियो लिए थे। ओके, अब आपको इन वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है और जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इसको हम रोटेट करके इस तरह से लगा लेते हैं जैसे कि प्रीव्यू वीडियो आपने देखा है, तो इस तरीके से हम इसको रोटेट कर लेंगे। ओके, और सेकंड वाला जो वीडियो है इसको भी हम ऐसे लगाएंगे, यानी कि इसको इस तरह से रोटेट करके और इस तरह से बढ़ा लेंगे। ओके, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब गाइस आप थर्ड वीडियो क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से और इंक्रीज़ कर लेंगे, इस वाले वीडियो को ऊपर कर लेंगे ताकि हमें एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, और इसको मिडिल में इस तरह से आपको इंक्रीज़ कर लेना है रोटेट करके। ओके, फोर्थ वाले को सर्कल में कर लेते हैं। तो सर्कल करने के लिए गाइस आपको नीचे मास्क का ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट कर लें पहले वीडियो क्लिप को और नीचे मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मास्क के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर गाइस आपको सर्कल शेप मिल जाएगा रिडायल करके, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और सिंपल डन कर लेंगे। डन करने के बाद इसको इंक्रीज़ आपको कर लेना है, इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग के वीडियोस को ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट करा था, उसी तरह से हमें जो ये वाले वीडियोस हैं इनको भी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ड्यूरेशन 2.65 सेकेंड, तो इसी तरह से आपको आगे की तरफ आना है और जहाँ पर ड्यूरेशन आएगी 3.50 सेकेंड, 3.50 सेकेंड से आपको स्प्लिट कर लेना है। गाइज मैं एग्जैक्ट 3.50 सेकेंड में आपको इसलिए लेकर नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो गाइज इस वीडियो के ऊपर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर वर्क नहीं कर रहा है, जैसे मैं 3.50 सेकेंड की ड्यूरेशन में आ रही हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 3.50 सेकेंड की ड्यूरेशन में स्प्लिट कर लेना है वीडियोज़ को। ओके, आप देख सकते हैं मैंने सारे वीडियोज़ को स्प्लिट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनको हम डिलीट कर लेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। ओके, अब गाइस जहाँ से आपने स्प्लिट करा है बस वहीं से आपको ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मटेरियल पे आएंगे और ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसकी ड्यूरेशन आपको रखनी है 0.75 सेकेंड। अब दोस्तों आगे के आते हैं आपके सिंगल वीडियोस एंड इनकी मैं ड्यूरेशन आपको बता देती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर वर्क नहीं कर रहा है कुछ वीडियोस के ऊपर, तो मेरी सारी मेहनत बार बार बेकार जा रही है, जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो स्टॉप हो जा रहा है वीडियो और सारा स्पॉयल हो जा रहा है। ये 2 दिन से मैं परेशान हो गया स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ, बट फिर भी मैं आपको ड्यूरेशन बताऊंगी। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास कुछ ही वीडियोस हैं तो यहाँ पर इसके बाद मैं बता रही हूँ ब्लैक बैकग्राउंड के बाद, अगर आप रैंडम जितने भी वीडियो आपके पास हैं वो भी ऐड करेंगे तो आपका वीडियो अच्छा ही बनेगा, यानी कि अगर आपके पास 4 भी हैं तो अच्छा बनेगा एंड 10 भी हैं अच्छा बनेगा, 20 भी हैं अच्छा बनेगा, फिर भी अगर आप थोड़ा सा बीट के साथ मैच करना चाहते हैं तो आप ड्यूरेशन नोट कर लीजिए एंड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को ट्रिम करेंगे तो थोड़ा बहुत बीट के साथ मैच करेगा तो अच्छा लगेगा वीडियो। ओके, तो आपका जो फर्स्ट वीडियो क्लिप आएगा ब्लैक बैकग्राउंड के बाद की बात कर रही हूँ, 0.47 सेकेंड आप इसकी ड्यूरेशन रखेंगे, नेक्स्ट है 0.40 सेकेंड, थर्ड की रखेंगे 0.30 सेकेंड एंड नेक्स्ट आएगा 0.45 सेकेंड, देन 0.25 सेकेंड आप कर सकते हैं, देन 0.35 सेकेंड, देन 0.32 सेकेंड, देन 0.56 सेकेंड, देन 0.20 सेकेंड, देन 0.52 सेकेंड, देन 0.46 सेकेंड, अगेन सेम रखेंगे 0.46 सेकेंड, देन 0.34 सेकेंड, देन 0.50 सेकेंड। ओके, और ये वीडियो एक्स्ट्रा हो गया,
कोई नहीं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके तो गाइस वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे अब सेव कर लेते हैं अपनी फ़ोन गैलरी में। और फ़ोन गैलरी में जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि वीडियो कैसा बना है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वीडियो। तो यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं पहले, और यहाँ से एक्सपोर्ट आपको कर लेना है। ओके डन कर लेते हैं, यहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि वीडियो हमारा फाइनल कैसा बना है। ओके ओके तो इस तरह से गाइस वीएन आप में यहाँ पे वीडियो इजीली बना लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इसी तरह के एडिटिंग वीडियोस अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू आपको वायरल रील से रिलेटेड मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।